पहले भी चार सूबे थे जो अंग्रेज बना के गए थे लिसानी बुनियादों पर, आज भी हैं। हमारे लिए कोई समय, हमें नहीं पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचिए। हमने अगर किसी को इस सूबे के नाम से शिकायत है तो जनाब पहला मरहला पाकिस्तान की आवाम के लिए ये एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम तो दीजिए। अगर 10 साल में ये बल्दियाती निज़ाम आपने अगर अपने समराद से आम पाकिस्तानियों को मुस्तफीद करेगा तो ऐसी आवाज़ें भी लगनी बंद हो जाएंगी, अजनबियत की दीवारें गिर जाएंगी। क्योंकि हमने ये सिर्फ अल्फाजों को इधर से उठाकर उधर नहीं, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को, इसके ऊपर बहुत सारे हमारे जो जिम्मेदारान हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, राबता कमेटी है, पूरी टीम बनी थी और इस पे हफ्तों की, इसके ऊपर कई हफ्तों की दिन और रात की मेहनत है। पाकिस्तान का रियल मसला है क्या? और सिर्फ मसला बता के इस डॉक्यूमेंट ने अपना काम तमाम नहीं किया, बल्कि उन मसाइल का हल क्या है। ये इस 70 सालों में वज़राए आला को मिलने वाले बजट, जो कि सूबे का बजट है, मिलने वाले पैसे, वफाक़े पैसों का हिसाब करें तो हजारों अरब रुपए बलोचिस्तान में बलोच वजीर आला के हाथ से खर्च हुए हैं, और हजारों नहीं पता नहीं कितने हजार, 22,000 अरब तो सिर्फ ये 15 साल की कहानी है ना, 70 सालों में कितने हजार अरब रुपए सिंध में सिंधी वजीर आला के हाथ से खर्च हुए जो वफाक से आए। लेकिन आज जब नारा लगता है महरूमी का तो ये भूल जाते हैं, फिर वो पंजाब के खिलाफ नारा लगता है, फौज के खिलाफ नारा लगता है। भाई ज्यादतियां की होंगी, लेकिन उस ज्यादती से पहले सूबा बलोचिस्तान अपने वजीर आला से अपने पैसे मिलकर उसको खर्च होने का हिसाब कर ले, और सिंध के लोग अपने वजीर आला, जो कि उनका सिंधी नेटिव है, 70 सालों से हर वजीर आला सिंधी स्पीकिंग रहा है, 70 सालों से हर वजीर आला बलोचिस्तान का सिंधी बलोच स्पीकिंग रहा है। भाई उनको जितने हजार अरब रुपए मिले हैं, भाई बहुत ज्यादतियां हैं सिंध के साथ पंजाब ने की होंगी, वफाक ने की होंगी, बलोचिस्तान के साथ की होंगी, लेकिन जो पैसे मिले हैं हजारों अरब रुपए, उसका तो हिसाब किताब पहले वो करें ना, वो दें। पाकिस्तान में ये जो 56% डिविजिबल पूल में पैसे बढ़ जाते हैं सूबों को, और सूबे के वजीर आला हाउस वजीर आला के पास हैं, उस पैसे का अगर आप हिसाब किताब नहीं करेंगे, उसमें जो करप्शन हो रही है जिसकी वजह से बलोचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, उसमें जो करप्शन हो रही है जिसकी वजह से सिंध में बेचैनी फैल रही है, तो आप अपने हाथों से पाकिस्तान के खजानों की चाबियां सूबाई दारुल हुकूमतों के वजीर आला को देकर उसमें करप्शन करवाकर आप पाकिस्तान और वो आगे लोगों को ट्रिकल डाउन नहीं कर रहे, जिससे महरूमी पैदा हो रही, जिससे लोग हथियार लेकर पहाड़ों पे चढ़ रहे, जिससे सूबाई बेचैनी में सूबे में बेचैनी पैदा हो रही। 5 लाख हमारा कोटा था जो हमें नहीं मिला, खालिद भाई ने मेरी तस्हीर की। तो ये डोमिसाइल सिस्टम का सारा जो है वो गोरख धंधा है, तो ये डोमिसाइल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाएं, डोमिसाइल सिस्टम को रिवैम्प करें, PRC के सिस्टम को रिवैम्प करें, और इसके लिए अगर सिटीजंस एक्ट की तरमीम करनी है तो वो करें, ताकि हम भी फर्जंदे ज़मीन बने। भाई हम भी इसी, हमें कहीं और नहीं जाना, हमें यहाँ से उतर कहाँ जाना है, लाड़काना खैरपुर से नवाब शाह से मार खा के यहाँ गए 70 की दिहाई में, जब लस्सानी बिल आया था, जब कोटा सिस्टम आया था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले, रईस अमरोही ने कहा तो चले यहाँ गए, अब कराची से कहाँ जाएंगे। भाई यही हमारा मरकज है, यही हमारा मस्कन है, पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है, तो फिर डोमिसाइल सिस्टम से अगर जाली डोमिसाइल बन रहे हैं तो उसको रोकने के लिए कमीशन बनने चाहिए, IT में स्मार्ट सिटीज बनने चाहिए, IT की तालीम को कम अज़ कम 3री जमात या 6री जमात से लाजमी करार दिया जाना चाहिए। हमारा पूरा निज़ाम माशी माशरती और सियासी उसे ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई ट्रेड उस पर जो है वो शिफ्ट करना चाहिए। जो हमारे नौजवान ये जो IT हाउसेज खोल रहे हैं IT एक्सपोर्ट के, उन्हें जो है तरगीब दी जानी चाहिए। फिर अर्बन डेवलपमेंट और कराची के किरदार को हमने डिफाइन किया, कराची तरक्की का इंजन है। इसके साथ साथ हमारी इस कमेटी ने जो आइडिया दिया था कि 100 नए शहर इंशाल्लाह हम बनाएंगे। जिन्होंने हिजरत की है और पाकिस्तान बनाया है, और जिन्होंने दो दो बार हिजरत की है,
उनमें से जो लोग पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए और पाकिस्तान को कायम रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी थी, आज वो रेड क्रॉस के कैंपों में बांग्लादेश में अपनी ऐसी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका तस्वुर नहीं है। और वो बंगाली हमारे भाई जिन्होंने उस मौके पर भी पाकिस्तान को ऑप्ट किया था, आप उनको गैर मुल्की कहना किसी के इख्तियार में भी नहीं है। आप उनको पाकिस्तान की शहरियत, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड देने पर तैयार नहीं है। बहरहाल ये मुल्क हमारे अजदाद ने मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनाया था, हुक्मरानों ने इसको मंडी बना दिया है।